अब आप क्या हाल हैं? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। ये जी फैज़ान मिनी फ्रूट फॉरेस्ट डिस्ट्रिक्ट लोधरा में हम आपको ये जो फल दिखा रहे हैं, माशाल्लाह ये सेब के फल हैं। माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन इसका फ्रूट का साइज़, उसकी शेप, उसका कलर हमारे पास यहाँ डिस्ट्रिक्ट लोधरा में दो वराइटीज़ बहुत अच्छी चल रही हैं मेरे पास। इनको जो है अभी ये चौथा साल है इन पौधों को, फल पे है वो तीसरा साल है। बहुत ही अच्छा फल माशाल्लाह बेर कर रही हैं, ये देखें बेहतरीन। ये एना और गोल्डन डोरसेट, ये दो वराइटीज़ बहुत अच्छी हैं। आप इसको कहीं भी पंजाब में आप इसको लगा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो टेम्परेचर होता है वो तकरीबन कोई 50 भी क्रॉस करता है। अगर हमारे पास 50 टेम्परेचर पे भी माशाल्लाह अच्छा ये सर्वाइव कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, तो कहीं भी ये कर सकते हैं। इसको मैं अभी कमर्शियली नहीं कहूँगा, लेकिन अपने किचन गार्डनिंग में या वैसे अपने फॉर्म में इसको कुछ पौधे लगा के अपने, जिस तरह की महंगाई है, कम से कम अपना जो फल है ना, आप हर तरह का फल आप अपने फॉर्म पे आप खा सकते हैं। सही है। तो इनको जो है वो तकरीबन कोई जो ये वैरायटीज है ना मैंने जो बताई हैं, एना और गोल्डन डोरसेट, इनको तकरीबन कोई 250 से लॉस रिक्वायर्ड होते हैं। जबकि हमारे पास जो सर्दियों में जो मौसम बढ़ता है ना, उस हिसाब से तकरीबन कोई 300 प्लस सिलॉज हमारे पास इनको मिल जाते हैं, जिससे इनकी जो इनको जो रिक्वायर्ड सिलॉज हैं वो उनको मिल जाते हैं, इस जिसकी वजह से ये हमारे पास अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं। अगर आप अपने फॉर्म पे थोड़ी सी प्लानिंग की है, जिस तरह इंटरक्रॉपिंग की है, ताकि इनको ज़रा छाँव थोड़ी सी मिल जाए, तो ये और भी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। देखा नहीं इसका फल का साइज़ माशाल्लाह बहुत अच्छा है। तो ये अपने फॉर्म पे ज़रूर लगाएं, कोई चार पौधे शौक के तौर पे ज़रूर लगाएं, तो इंटरक्रॉपिंग करें। दूसरा मैंने ये अंजीर में देखें ये किया हुआ है साथ, ये ग्रेप फ्रूट के साथ मैंने की हुई है। आगे भी दिखाता हूँ, पूरी लाइन है इसी तरह, ये एक लाइन है। पूरी देखिए हमारे पास ये सब पे माशाल्लाह बेहतरीन फल इसने बेर किया हुआ। ये देखिए कोई एक दो की बात नहीं कर रहा, सारे प्लांट आपको इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको जो एक है ना बिलीवेबिलिटी, आपको थोड़ा यकीन आए कि हमारे पास ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो मैं आपसे, मैं प्लांट नहीं भेजता, बेसिकली मैं ख़ुद जो है वो बागवान हूँ, मैं ख़ुद फार्मर हूँ, तो मेरी कोशिश होती है जो चीज़ें अच्छी हैं वो बताऊँ, ताकि लोग जो है उससे इंस्पायर्ड हों। हमारे पास डिफरेंट जो है अंजीर की वराइटीज़ जो हैं लगी हुई हैं, ये आप देख सकते हैं, ये पूरा बड़ा बेहतरीन इसका जो है 1 एकड़ का मॉडल है। ये भी सारी सेब की वराइटी है, ये देखें गुच्छों की शक्ल है माशाल्लाह। देख रहे हैं आप, बहुत अच्छा फल है माशाल्लाह इसका ना, बेहतरीन ज़बरदस्त। ठीक है आप, ये हमारे पास इंटरक्रॉपिंग हुई हुई है अंजीर की मुख्तलिफ, मेरे पास अंजीर की भी कोई 15 से 20 वैराइटीज़ हैं। ये मेरे पास जो है ये थाई मलबरी के प्लांट्स माशाल्लाह, ये भी अब आगे फर्दर हम और बढ़ाएंगे। ये अंजीर की वैराइटीज़ हैं, ये अंजीर माशाल्लाह, मेरे पास अंजीर की भी कोई 15 से ऊपर इकसाम
मैंने लगाई हुई। ये जो है ये अभी एना एप्पल है, थोड़ी शेप अभी है अपनी, अब कलर ये दे रहा है। तो मेरे पास दोनों ही हैं, एना भी है यार, गोल्डन डॉर्चेट भी है। तो मैंने कहा अब आपसे ये दिखा सकूँ। ठीक है भाइयों, और भी दिखाऊं कि इतना काफ़ी है? चले एक और पौधा भी दिखा देता हूँ कि आप देख सकें कि मैं खाली एक दो पौधे पे खाली नहीं कर रहा, ताकि पूरा आपको ये देखें, बर्ड्स ने भी खाना शुरू कर दिया माशाल्लाह। ये देखें जी, ये देखें माशाल्लाह, बहुत बेहतरीन, इसका अच्छा फल का साइज़ है। ये देखें जी, गुच्छों की शक्ल माशाल्लाह लगे हुए। ठीक है सर, ये हमारे पास अंजीर की वैरायटीज, हमारे पास बहुत ज़्यादा वैरायटीज हैं, एग्जॉटिक ग्रीन, फुलमाता, टाइगर, यरूशलम, अमेरिकन, और बहुत सारी वैरायटीज अंजीर की भी लगी हुई हैं। ये देखें पूरी, ये हमने 10x10 के चौकड़े पे इसको लगाया हुआ। ठीक है सर, मैंने कहा आज आपको थोड़ा सा डिटेल में दिखा दूँ।